आज शुरुआत करता हूं भारत टीम के टेस्ट कैप्टन जिन्होंने की है ऑस्ट्रेलिया में भारत को जिताया था अजिंक्य रहाणे के साथ थैंक यू एंड वेलकम अजिंक्य थैंक यू यूकू काफी दिन से आप लोग भी दुबई में हैं हमने सोचा हम भी आ जाते हैं सलाम क्रिकेट यहीं से करते हैं बट अचानक से आईपीएल खत्म हुआ और वर्ल्ड कप आप इस वर्ल्ड कप को कैसे देखते हैं भारत के लिहाज से देखिए हमारा आ, हमारी टीम इस वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि अच्छी टीम है स्ट्रॉन्ग टीम है और हालांकि आईपीएल भी यहीं पे हुआ है तो एक ज़रूर एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ के कंडीशन हमें पता है विकेट्स पता है वेदर थोड़ा बेटर होते जा रहा है जब आईपीएल खेलने आए थे एक महीने पहले तो थोड़ा बहुत गर्म था अभी बेटर वेदर थोड़ा बेटर हो रहा है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं देखिए टी ट्वेंटी ऐसा फॉर्मेट है उस उस दिन में जो टीम अच्छा खेलती है वो ज़रूर उनके चांसेस अच्छे होते हैं जीतने के लेकिन मैं इंडियन टीम को ही बैक करूंगा कि वो अच्छा खेलेंगे और ज़रूर वर्ल्ड अच्छा कप तो जीतेंगे दो के बाद जो आई टूर्नामेंट्स का सूखा है आपको लगता है कि ये खत्म हो सकता है इस बार देखिए प्रेडिक्ट करना मैं बहुत मैं उतना प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ बट uh, मैंने जैसे कहा कि हमारी टीम अच्छी है बैलेंस है बैटिंग uh, बॉलिंग और जो ऑलराउंडर्स होने चाहिए टीम में uh, काफ़ी बैलेंस है तो आई एम श्योर वी विल डू वेल इन दिस वर्ल्ड कप और नो नो विल विन दिस वर्ल्ड कप पहला मैच पाकिस्तान के साथ है आपने कहा कि मौसम बेहतर होता जा रहा है मुझे तो लग रहा है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी बिकॉज इंडिया पाकिस्तान पहला मैच और चूंकि जिनके आप वर्ल्ड कप में कई इंडिया पाकिस्तान गेमों का हिस्सा रहे हैं इंसिडेंटली पाकिस्तान ने कभी इंडिया को हराया नहीं है वसीम भाई वहां पे बैठ के सुन रहे हैं तैयार कर रहे हैं बट uh, बड़ा मैच हो अचानक से पहला माजी में मतलब पास में आप जीते हो डज इट इवन मैटर टू द टीम कि हमने इनको हमेशा हराया है लेकिन आज एक नया दिन है देखिए हर बार जब हम आ, किसी भी टीम के साथ खेलते हैं भले पास में रिकॉर्ड कुछ भी रहा हो हमेशा फोकस होता है कि हम प्रेजेंट के बारे में सोचें इस मैच में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है या क्या, क्या कंडीशंस होने वाले कैसा विकेट होने वाला है उसके बारे में सोचे पास्ट में अगर हम उनसे ज़्यादा मैचेस जीते भी है या वो हम हमसे ज़्यादा मैचेस जीते वो उतना मैटर नहीं करता आई थिंक उस मोमेंट में क्या होता है वो मैटर करता है माहौल मुझे लगता है कि शायद आप मीडिया वाले थोड़ा ज़्यादा बना देते हो और गर्म कर, करा देते हो ड्रेसिंग रूम शांत होता है ड्रेसिंग रूम बिल्कुल शांत होता है और आ, फोकस यही होता है कि एज ए टीम हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और उस दिन में आ, उस सिचुएशन को कैसे अच्छा अडाप्ट कर सकते हैं इन कंडीशंस का भारत को कितना फ़ायदा होगा क्योंकि आपने यहाँ पर आईपीएल हुआ हालांकि दुनिया के कई टॉप प्लेयर्स भी यहाँ पर खेले पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं खेला बाबर आजम ने कहा है कि चूँकि पाकिस्तान यहाँ पर क्रिकेट बहुत खेला है तो उनको ज़्यादा एडवांटेज है देखिए पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान टीम यहाँ पर उनके प्लेयर्स यहाँ पर काफ़ी लीग मैचेस खेले हैं क्रिकेट भी ज़्यादा खेले तो उनको आइडिया है इंडिया के कंडीशंस और यहाँ के कंडीशन में उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है तो हमें पता है कि इस इस कंडीशन को कैसे अडाप्ट करना है दुनिया के भी बाकी सारे प्लेयर्स आई पी वजह से यहाँ पर खेले हैं तो सबको वो एक एडवांटेज है जो भी बाहर के बैट्समैन या बॉलर्स थे यहाँ पे मैचेस खेल चुके हैं तो उनको पता है कि क्या विकेट्स होने वाले हैं और अभी हमने देखा कि आईपीएल में कैसे विकेट्स रहे हैं तो एक उसी सिचुएशन को लेके अडाप्ट करना आसान हो जाता है ज़रूर पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि उन्होंने काफ़ी सारे मैचेस यहाँ पर खेले लेकिन पा, मुझे पा, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान मैच ज़रूर अच्छा होगा अच्छा होगा आप पूरी तरह खुल के नहीं बोल रहे अच्छा होगा या इंडिया जीतेगा मैंने तो पहले कहा कि मैं तो मैं तो इंडिया को ही बैक कर रहा हूँ और ज़रूर हम मैच जीतेंगे लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि आप आ, किसी को भी आप लाइटली नहीं लेना चाहते और एज अ टीम हम इंडियन टीम भी हम किसी के साथ भी खेलते हैं तो हम किसी को लाइटली नहीं देते हम अपोजिशन को रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई एम श्योर ये जो टी हमारी टीम है इंडियन टीम है वो ज़रूर पाकिस्तान टीम को उतना ही रिस्पेक्ट करती है जितना बाकी सारी टीमों को रिस्पेक्ट करती है मैच ज़रूर एक अच्छा मैच होगा so. टीम आपने कहा भारत की अच्छी चुनी गई है इसमें आपको लगता है कोई उन्नीस इक्कीस बदलाव हो सकता था या बेस्ट प्लेयर्स देखिए मैं हम एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आ, हमारे यहाँ पर या शायद हर जगह होता होगा आ, जो प्लेयर एक्चुअली टीम में नहीं होता है ना वो सबसे अच्छा प्लेयर होता है <laughs> और जो प्लेयर टीम में होता है अरे यार ये प्लेयर टीम में क्यों है ये प्लेयर होना चाहिए और यहाँ दूसरा प्लेयर जो नहीं होता है इसको टीम में होना चाहिए था तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमने जो प्लेयर्स टीम में है पंद्रह सोलह की जो टीम है हमें यहाँ पर उनको बैक करना चाहिए आ, सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं देखिए मतलब आ, आ, उस उस पर्टिकुलर डे परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आ, जो टीम आ, चुनी गई है आ, हमें हम सबको उनको बैक करना ज़रूरी है और अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे हम बाहर से उनको दिखाएंगे कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका मोरल और अच्छा हो जाता है और आप चूंकि खुद भी खेले हैं वर्ल्ड टी ट्वेंटीज इनफैक्ट आखिरी वाला तो बड़ा वो हार्ड ब्रेक टाइप हो गया था मुंबई में जो भारत सेमीफाइनल में हार गया था उस चीज़ का कितना मलाल है आपको जिनके एज एज क्रिकेटर क्योंकि वो लग रहा था कि भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जीतने की देखिए जरूर उस वक्त बहुत बुरा लगा था और डिसपॉइंटेड भी थे कि इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हुए भी हम सेमीफाइनल्स में हारते हैं थे वेस्ट इंडीज़ के साथ और उस वक्त लेकिन देखिए वेस्ट इंडीज़ भी बहुत अच्छी टीम थी और स्पेशली इस फॉर्मेट में uh, आपको पता है कि कितनी डेंजरस टीम है और इस फॉर्मेट का यही मजा है कि उस पर्टिकुलर टीम डे पे आपकी टीम कितनी भी स्ट्रॉग हो अगर आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते हो तो रिज़ल्ट शायद आपके तरीके से नहीं जाता है जो टीम अच्छा क्रिकेट खेलती है अच्छा परफॉर्मेंस करती है वो मैचेज जीतते हैं तो ज़रूर डिसअपॉइंटेड थे लेकिन वो अभी बात अच्छा पीछे चली गई है फोकस हम श्योर इंडियन टीम का यही होगा कि यहाँ पर शुरुआत कैसे हम अच्छा करें और एक बार वो मोमेंटम मिल गया तो कैसे उसको हम जारी रखें अजिंक्य रहने खुद नहीं हैं इस टीम में आपको उस चीज़ का होता है कि यार मैं टी टीम में नहीं हूँ देखिए मैं आ, फोकस यही कर रहा हूँ कि आ, मेरे कंट्रोल में क्या है जो मुझे टी, टी ट्वेंटी में इम्प्रूव करना चाहिए उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ और, और मुझे लगता है कि मैं टी खेल सकता हूँ आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ जो मुझे गेम में, में मेरे डेवलप करना चाहिए या जो कुछ शॉर्ट्स है उसको मैं इंप्रोवाइज़ करना चाहिए मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली आई में इस बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम आई फील एंड एक ज़रूरी होता है कि एज़ अ प्लेयर बाकी आपके ऊपर कोई भी विश्वास ना करे बिलीव ना करे आपको खुद के ऊपर बिलीव करना और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है जो मेरे में है मैं खुद के ऊपर बिलीव करता हूँ ऐसे सिचुएशन से काफ़ी बार मैंने कम भी किया है और अच्छा प्रदर्शन भी किया है तो जस्ट मैटर ऑफ़ टाइम या क्या आपने कप्तानी भी की है भारत की और आपकी काफ़ी तारीफ़ हुई कप्तानी को लेकर आपका अंदाज़ अलग है विराट का अंदाज अलग है सौरव गांगुली का अंदाज़ अलग था हर कप्तान का अंदाज अलग होता है विराट ने यह कहा है कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो टी ट्वेंटी की कप्तानी छोड़ देंगे और जब ये अनाउंसमेंट हुई क्या ये एक टीम के लिए इमोशनल कनेक्ट हो जाता है लोग कहते हैं चलो यार विराट भाई के लिए करना है या फिर ये टीम पर प्रेशर भी बना सकता है कभी कभी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर हो, होगा किसी के ऊपर भी विराट ने इतने साल आ, कप्तानी करी है और उनके रिकॉर्ड भी आ, हम सबको बताए कि कितने अच्छे रिकॉर्ड हैं टीम इंडिया ने हर एक फॉर्मेट में कितना अच्छा किया है तो ज़रूर सबकी एक कोशिश होगी कि आ, विराट का एक एज अ कैप्टन एक लास्ट वर्ल्ड कप है तो उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे उनके लिए अगर हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो इसे सबसे आ, सबसे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती तो पा, पा, सारे प्लेयर्स कोशिश यही करेंगे कि आ, विराट के लिए ये वर्ल्ड कप खेले एमएस धोनी भी साथ में अभी हाँ मेंटर करके बने हैं और कल ही वो आई फाइनल भी जीत चुके हैं तो ज़रूर टीम का मोरल और माही भाई का साथ में होना टीम को बहुत हेल्प करेगा कैसे हेल्प करेगा क्योंकि ये चीज़ हम सब भी आर्टिसिपेट कर रहे हैं और कहते हैं ना बड़ी पॉजिटिविटी है हर कोई कह रहा है माही भाई आ गए मेन्टोर बनेंगे बट एक्चुअली उससे फ़ायदा क्या होगा देखिए फ़ायदा यही होगा कि उनका एक्सपीरियंस क्योंकि इतने साल उन्होंने कप्तानी भी करी है हमारे देश के लिए सी एस के भी कप्तान मतलब शुरू से लेके अब तक वो कप्तान रहे हैं और आई एम श्योर आगे भी वो सी एस के खेले खेलेंगे और है? कप आई एम श्योर वो उनके हाथ में उनको पता नहीं बट उनका एक्सपीरियंस इस फॉर्मेट में जिस तरीके से हम सबको पता है कि एज ए कैप्टन वो कैसे है और कितने शार्प है तो ड्रेसिंग रूम में रहना वो ज़्यादा बातें नहीं करते लेकिन जो छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो आई एम श्योर वो हेल्प करेंगे टीम के लिए और कहीं ड्रेसिंग रूम में इस तरह का क्लैश तो नहीं होता क्योंकि कप्तान इज सपोज टू बी द लीडर ऑफ द टीम और एक कोच हैं हेड कोच हैं फिर उसके बाद एम एस धोनी मैंटोर रहेंगे वर्किंग रिलेशनशिप आप कैसे एंटिसिपेट करते हैं देखिए रिलेशनशिप तो ज़रूर अच्छा होगा आई डोंट थिंक कोई क्लैश uh, होंगे बीच में और सभी लोग माही भाई को रिस्पेक्ट करते हैं तो आई एम श्योर एवरी वन विल बी हैप्पी टू उस दिन ट्वीट भी किया था जिस दिन uh, अच्छा. माही भाई ने वो रन बनाए थे तो उन्होंने okay. बहुत

आ, उतना मुझे पता नहीं लेकिन आई डोंट थिंक वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते चीज़ों को सिंपल रखते हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों को सिंपल रखना इस्पेशली इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में पहले से ही इतना आप आ, मतलब छोटा फॉर्मेट है लेकिन चीज़ें कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अब अगर एज ए कैप्टन आप चीज़ें सिंपल रखते हो तो बाकी की चीज़ें अपने आप आपके लिए आसान हो जाती है अच्छा इस सेशन का नाम है रहाने की राय आई एम श्योर आप ये कहेंगे यार मैं कौन होता हूँ राय देने वाला लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आ, क्योंकि लोग भी हैं यहाँ पर सवाल भी मैं लूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बाहर से दिखती हूँ और आपको लगे कि भारत अगर इन चीज़ों को ठीक कर ले तो वर्ल्ड कप जीत सकता है मसलन ओपन जैसे विराट आईपीएल में ओपन करते हैं आ, उन्होंने इंडिया के लिए भी आपको याद होगा तब इंग्लैंड के अगेंस्ट ओपन किया था और कहा था कि दिस कुड भी अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर आपको लगता है विराट एंड रोहित इज़ दी बेस्ट कॉम्बिनेशन टू ओपन या फिर इसमें कोई बदलाव चाहेंगे आप अगर मैंने कुछ जवाब दिया तो आप आप यही कहेंगे कि अजिंक्य चाहता है कि ऐसे हो जाए नहीं जो आप कहेंगे मैं उसके बाद कुछ नहीं कहूँगा देखिए आई थिंक ये फॉर्मेट अभी ऐसा बना है कि आपको आपका नंबर क्या होगा आप तय नहीं कर सकते बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है इंडियन टीम में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमारे पास ओपनर्स भी है आ, विराट ने आपने जैसे कहा कि विराट ने इंग्लैंड के साथ ओपन करा था आईपीएल में भी ओपन करा था अभी क्या डिसीजन होगा आई एम नॉट श्योर कि टीम मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगी किसने ओपन करना चाहिए लेकिन आप अभी ये सिर्फ फिक्स दिमाग से नहीं जा सकते कि मैं ओपनर हूँ तो मैं सिर्फ ओपन करूँगा मैं मिडिल ऑर्डर हूँ तो मैं सिर्फ मिडिल ऑर्डर में करूँगा अगर ज़रूरत पड़ती है फ्लेक्सीबिलिटी रखनी आ, रखना होता है तो आप आपका नंबर चेंज करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए ये क्योंकि ये फॉर्मेट वैसे जा रहा है टी ट्वेंट फिफ्टी ओवर क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो उसमें अलग हो जाता है कि ये सोपनर्स है एक आ, इनका इनका जो एक रोल है डेडिकेटेड रोल है इनको इनको दिया जाता है मिडिल ऑर्डर का रोल है पर टी में आई फील आपको फ्लेक्सीबल होना बहुत ज़रूरी है तो ये टीम के ऊपर तय करता है कि हम कहाँ पर मैचेस खेल रहे हैं विकेट कंडीशंस कैसे होंगे या क्या स्ट्रैटेजी बनानी है आपको ज़रूरी होता है कि आप प्रेडिक्टेबल ना हो तो ये हमें शायद अभी रुकना ही होगा मैं भी इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ लेकिन ये है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है भारत के स्पिनर्स के लिहाज से जिनके चार टॉप क्लास स्पिनर्स आपने चुने हैं इन कंडीशन के लिहाज से वरुण चक्रवर्ती मतलब उन पर भारत ने पिछले बारह महीने में बड़ी तोजात रखी मिस्ट्री स्पिनर है आई में भी उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है क्या वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं आपके देखिए सारे स्पिनर्स एक मैं क्योंकि एक्स फैक्टर बोल के मैं वो टैग नहीं देना चाहता और मुझे अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं आप कहते हो कि ये प्लेयर फैक्टर है तो एक प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है वरुण ने हालांकि मैं आईपीएल में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है लास्ट सीजन में भी उन्होंने अच्छे अच्छी बॉलिंग करी है और एक टीम के लिए अच्छी साइन है कि एक अच्छे फॉर्म में है अच्छे लय में है और इस इस फॉर्मेट में ज़रूरी होता है कि अच्छे फॉर्म से अब जाओ और एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है उसके लिए तो टीम के लिए बहुत जरूरी है कि वरुण एक अच्छे फॉर्म में है बाकी के अश्विन रविचंद्रन अश्विन है जडेजा है राहुल चाहे राहुल उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो किसी को एक टैग देना कि एक फैक्टर होंगे वो मेरे ख्याल से गलत है यस वरुण ने साबित किया है कि उन्होंने आईपीएल में ज़रूर अच्छा किया है लेकिन आ, टी ट्वेंटी जब ये वर्ल्ड कप अब जब इंडिया के लिए खेलते हो तो प्रेशर कहीं ना कहीं अलग होता है तो मैं उन वो एक प्रेशर नहीं उनको फील होना आ, देना चाहता हूँ आई थिंक सारे जो स्पिनर्स है अश्विन क्वालिटी स्पिनर्स है अश्विन ने जो अभी कम करा है इतने सालों बाद टी में आई थिंक और जिस तरीके से बॉलिंग भी की उन्होंने, IPL uh, really so, spinners, uh, है उन्होंने आई में आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम सो चारों स्पिनर्स अच्छे हैं आप सरप्राइज थे जब अश्विन टीम में आए नहीं बिल्कुल नहीं अरसे वो टी ट्वेंटी खेल नहीं रहे थे बिल्कुल सरप्राइज नहीं क्योंकि दो लास्ट दो तीन साल में उन्होंने स्पेशली आईपीएल में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है बॉलिंग करी है यस कहीं ना कहीं आप आप देखते हो कि विकेट नहीं मिला है उनको लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट जो रही है वो बहुत जरूरी होती है तो ताकि आप प्रेशर बिल्ड कर सकते हो और दूसरे एंड से विकेट आ सकता है हम हमेशा सक्सेस को यही देखते हैं कि किसने ज़्यादा रन किए हैं किसने ज़्यादा विकेट लिए है वो ही सक्सेस होता है बट मेरे लिए आपने कितने इकोनॉमिकल बॉलिंग डाली है अगर भले आपने मैचेस में विकेट ना लिया हो लेकिन वो प्रेशर क्रिएट किया हो उस 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 सिचुएशन में क्या डिमांड करता है टीम को उस तरीके से आपने परफॉर्मेंस किया वो बहुत ज़रूरी है तो अश्विन ने ज़रूर लास्ट दो साल में आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं था और आप तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम में थे माइंड स्पेस वो कहते हैं ना कि वो सोचते भी बहुत है मैंने सुना है सोचते भी इम्प्लीमेंट भी बड़ी जल्दी करते हैं तो किस माइंड स्पेस से गुजर रहे हैं वो आई थिंक अच्छे माइंड स्पेस से गुजर है आई uh, थिंक अच्छे uh, माइंड स्पेस में भी है वो काफ़ी रिलैक्स है uh, उनको पता है एक्चुअली उनको क्या करना है उनके एबिलिटी के बारे में उनको बहुत आइडिया है और uh, कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते देखते हैं uh, प्रज्ञा न ओझा भी इधर है तो उनको पता है उन्होंने एक साथ बहुत uh, बॉलिंग करी है तो प्रज्ञान आ, तो चैंपियन भी रहे हैं आईपीएल में यस uh, आईपीएल चैंपियन भी अब लिखा जाता है करियर के आगे तो कप्तान के आगे तो बहुत ज़्यादा लिखा जाता है तो अश्विन एक ऐसे बॉलर है उनको पता है कि उनकी क्या एबिलिटी है नए चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और एक अच्छे माइंड स्पेस में है अभी बैटिंग 150 160 या आपको लगता है 180 190 किस तरह की पिचेज आप एंटिसिपेट करते हैं वर्ल्ड कप में देखिए अभी तक जो मैचेस हुए हैं अबू धाबी के विकेट सारे अच्छे थे दुबई शारजा में थोड़े लो स्कोरिंग गेम हुए कल का फाइनल थोड़ा हाई स्कोरिंग अच्छा हाई स्कोरिंग गेम हुआ था लेकिन अब शारजा में देखे तो लो स्कोरिंग गेम्स हुए हैं विकेट प्रिपेयर करने में उनको कितना समय लगेगा कितना समय होगा वो हमें पता लें लेकिन यू नो दुबई में अभी क्या स्कोर अच्छा होगा आई थिंक ये शुरू के मैचेस से पता चलेगा कि विकेट कैसे बने हैं अच्छा क्योंकि हमारे बीच लोग दुबई में हैं और इस वक्त हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ से वर्ल्ड कप का आगाज़ होना है हमारे बीच वो देखिए वर्ल्ड चैंपियन भी बैठे हैं वसीम भाई और आ, अगर एक माइक हो अगर वसीम भाई के पास पहुंच जाए थोड़ी देर में मैं चाहता हूं कि वसीम भाई भी अगर आपसे सीधी बात करें क्योंकि वसीम भाई जो हैं वो देखिए है, वो ना सिर्फ क्रिकेटर थे बल्कि मीडिया में इतने साल इन्होंने काम किया है तो वसीम भाई थोड़ा तु मेरा काम भी कर सकते हो तो माइक बस अभी थोड़ी देर में आ जाए अचिंक ए फॉर इंडिया वॉट डज दिस वर्ल्ड कप मीन बिकॉज यू नो वी नॉट वन सिंस टू

ट्वेंटी uh, थर्टीन भी जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी सी आई सी सी की इंग्लैंड में वो हम जीते थे बाकी के सारे जितने आई सी सी इवेंट्स हैं उसने uh, उस इवेंट्स में हमने अच्छा किया है यस वर्ल्ड कप जीतना एक ट्रीम uh, होता है और जब हम नहीं जीतते तो एक डिसअपॉइंटेड होते डिसअपॉइंटमेंट होती है लेकिन uh, इस वर्ल्ड कप में कोशिश टीम इंडिया की हम श्योर यही होगी कि इसके ऊपर फोकस करें रादर देन आने वाले uh, ये साल वर्ल्ड कप है अगले साल वर्ल्ड कप है और ट्वेंटी थ्री में फिफ्टी और वर्ल्ड कप है उसके बारे में सोचे तो आ, मैं यही कह सकता हूँ कि जो जो टीम ड्रेसिंग रूम में होता है आप आ, प्रोसेस के बारे में या जो प्रेजेंट मोमेंट है उस बारे में आप सोचते हो और जो हालांकि मैं अभी ये वर्ल्ड कप आने वाला है एम श्योर sure, टीम का फोकस यही होगा और उनकी कोशिश यही होगी कि ये वर्ल्ड कप हम कैसे जीतें एंड अगर आप ध्यान से देखें यंगस्टर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं मतलब सम बड़े लाइक वेंकटेश अय्यर फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ से आए अचानक किसी को पता नहीं था और कई सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं इस आई में जो निकल कर आए जिन्होंने ये दिखाया कि स्किल के साथ साथ बिग मैच टेम्परामेंट भी उनमें है ये क्रेडिट आई को जाता है क्योंकि आई पी एल वजह से हमें वेंकटेश अय्यर के बारे में पता चला लेकिन मैंने ये मैंने ये सुना है कि वेंकटेश अय्यर ने एम पी के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते थे थोड़े नीचे बैटिंग करते थे अच्छा परफॉर्मेंस करते थे लेकिन कोई नोटिस नहीं करता था लेकिन आई में सडनली अपने दो तीन इनिंग अच्छी के लिए पूरी दुनिया उनके बारे में, बारे में बात करने लगी और आई थिंक ये हमें याद रखना चाहिए क्योंकि एक डोमेस्टिक क्रिकेट का भी सक्सेस उतना ही है और आई का भी सक्सेस उतना ही है जित आई पी वजह से प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला है और एक रिकग्निशन मिलता है तो आई थिंक एक काफ़ी एक्साइटिंग बात है कि इतने सारे यंगस्टर्स साथ में आ रहे हैं और अच्छे इतने क्वालिटी यंगस्टर्स साथ में आ रहे हैं जिनका टेम्परामेंट हमें पहले से पता चल रहा है कि अच्छा है लेकिन ये क्रेडिट जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत बहुत कम बार ऐसे होता है कि हम हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट को क्रेडिट देते हैं बहुत सारे प्लेयर्स चार पाँच साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के फिर किसी ना किसी को आई में मौका मिलता है और सडनली विद इन टू गेम्स अगर आप परफॉर्मेंस करते हो उनका नाम ही हो जाता है तो आई थिंक सारा श्रेय सारा क्रेडिट डोमेस्टिक क्रिकेट है आई पी यस आई पी की वजह से हमें नए नए प्लेयर्स मिल रहे हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है और आने वाले समय में इंडिया का फ्यूचर फ्यूचर बहुत ही अच्छा है क्योंकि बॉलर्स uh, हो या बैट्समैन हो एक क्वालिटी क्रिकेटर क्रिकेटर्स हमें हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं चले मैं वसीम भाई uh, the great वसीम अकरम uh, से गुजारिश करूंगा और तालियों के बीच आप प्लीज uh, वसीम भाई का भी स्वागत, स्वागत कीजिए वसीम भाई लेफ्ट ओवर टू हैव अ क्वेश्चन थ्री वेन्यूज हैं यहां पे अबू धाबी दुबई एंड शारजा एंड नाउ फैक्टर कितना था यहां पे बिकॉजर विल कम इन प्लेस इवेंचुअली ड्यू फैक्टर एक्चुअली लास्ट के जो पाँच छः सात आठ मैचेस हुए उसमें बहुत बड़ा था इनिशियली उतना ड्यू नहीं था आई थिंक वेदर चेंजेस वेदर जैसे थोड़ा चेंज होने लगा ड्यू बहुत ज़्यादा आ गया था और स्पेशल जो मैच हम केकेआर के साथ खेले शारजा में तो टॉस का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया था फर्स्ट uh, इनिंग्स ऐसे लगा कि हम अलग विकेट पे खेले सेकंड हाँ. इनिंग्स अलग विकेट पे खेले बिकॉज ऑफ द ड्यू ड्यूज के ड्यू से बॉल बड़ा अच्छा बल्ले पे आता है स्विंग नहीं होता स्टर्न नहीं होता आई थिंक uh, आप शायद एग्री करेंगे मेरे से कि इस वर्ल्ड कप में स्पिनर्स जिसके पास अच्छे होंगे बिकॉज तीन वेन्यू हैं और इतने मैचेज अभी आई के हो चुके हैं और वर्ल्ड कप के होने हैं एवेंचुअली बॉल ग्रिप करेगा ही करेगा यहाँ पे वट यू थिंक जरूर बॉल जरूर ग्रिप करेगा और ये आई में भी हो रहा था बॉल ग्रिप कर रहा था मे मैं भी शायद उतना उतना टन नहीं मिल रहा था लेकिन हल्का सा स्लोनेस और बैट्समैन को शॉट मारना स्पेशली जो नए बैट्समैन आ रहे थे विकेट पे उनको शॉट शौर्ट, शॉर्टें मारना बहुत आ, मुश्किल हो रहा था और ड्यू फैक्टर की वजह से वो थोड़ा बाद में चेंज हो गया और टॉस आई एम श्योर अगर ड्यू फैक्टर उतना होता है तो टॉस बहुत ज़रूरी होगा बिल्कुल और जैसे देखा कि तीनों वेन्यूज में से शारजा में सबसे लो स्कोरिंग हुआ वहाँ बॉल लो भी रह रहा था और स्किट भी कर रहा था और स्पिनर्स वहाँ ज़्यादा जो मिस्ट्री स्पिनर्स थे वो ज़्यादा तंग कर रहे थे आई में येस आई थिंक उनको रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा था शारजा के मुझे लगा कि शायद वो तो लाइट्स के वजह से भी कहीं ना कहीं आपको आप रीड करना या बॉल सही से साइड करना वो अ uh, मैं तो मैचेस नहीं खेला जी लेकिन वो मैं, मैं सुन रहा था बैट्समैन से कि उनको क्या दिक्कतें आ रही थी बॉल uh, रीड करने में तो चलिए गुड टू टॉक टू यू एंड ऑल द बेस्ट सेम ही अवसर आपने you. पाकिस्तान का एक भी सवाल नहीं पूछा नहीं पाकिस्तान का सवाल सारे हो। तू पिछले आगे चा, चा, चार चार घंटे तू पूछेगा ना मेरे से आप तो पूछने वाले आपको मसाला ऐड करना है मेरे ख्याल से नहीं, नहीं वसीम भाई ने जवाब दे रहे हैं मैं चाहता था वो सवाल भी करे नहीं अब इंडिया पाकिस्तान का मैच 24 तारीख को है द होल कंट्री बोथ द कंट्रीज आर वेरी एक्साइटेड के बड़ा बड़ा मैच है पाकिस्तान टीम जैसे अजिंक्या को मैं सुन रहा था अभी इंटरव्यू इनका कि पिछले दस साल से यहीं खेल रही है क्रिकेट थोड़ा व्यक्तों का उनको पता है मगर अब आईपीएल भी पिछले एक महीने से यहाँ पे हो रहा है तो सब प्लेयर्स को इंडियन प्लेयर्स को भी थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि पिचेस कैसी हैं प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा उस दिन जो टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है मेंटली जो स्ट्रांग होती है वही टीम जीतेगी बिफोर ऑब्वियसली देखा जाए रैकर्ड से देखा जाए प्रेजेंट रैकड से देखा जाए तो इंडिया फेवरेट तो लगती है बट अगेन इंडिया पाकिस्तान मैच ऑन दिस डे अब सनी भाई भी आ गए हैं तो वो भी यही बताएंगे कि उस दिन में जो टीम ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगी वो विल वेन अजिंक्य मैं अगेन हॉट सीट मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की टीम चुने लेकिन आप अगर आइडियल इलेवन देखते हैं वो क्या होगी अगर मैं अभी से प्रेडिक्ट कर लूंगा तो यार भाई आपकी सोच है हम और आप मिलकर मैच देखेंगे तो उस लिहाज से आपकी 11 क्या होगी मेरे 11 होंगे तीन फास्ट बॉलर जस्सी वो आप आप डिसाइड करेंगे शायद <laughs> मेरे ख्याल से आप मैं जाने के बाद या आपका जब भी शो होगा आप शायद वो डिसाइड करेंगे और आपका डिबेट चलते रहेगा तीन, तीन फास्ट बॉलर तीन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर टू स्पिनर्स ऑलराउंडर कुड बी जडेजा एंड हार्दिक मैं तो यही कह रहा हूं कि ग्यारह क्या होंगे <laughs> दो स्पिनर्स दो स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आप पहला मैच देंगे बिकॉज मिस्ट्री स्पिनर को आइडियली आप एक ऐसी टीम के सामने डालेंगे जिसने शायद उसको खेला नहीं है देखिए ये तो कप्तान के हाथ में है कप्तान और जो टीम मैनेजमेंट है उन लोग तय करेंगे मैं यही कह रहा हूँ यही कह रहा हूँ अगर मैं अभी से सब बता दूंगा तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी अच्छा आपके आई के कप्तान ऋषभ पंत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बारह महीने में ऋषभ पंत कहाँ से कहाँ आए हैं और चूंकि ऑस्ट्रेलिया वॉज मे बी द टिगर पॉइंट जहाँ पर उनका चेंज जो आप तब कप्तान भी थे ऋषभ पंत में ऐसा क्या बदलाव आया है कि लोग अभी से कह रहे हैं कि अगर भारत ने वर्ल्ड कप जीतना है तो ऋषभ पंत पे बहुत कुछ निर्भर करता है देखो वो ऐसे बैट्समैन है जो गेम चेंज कर सकते हैं और जिस नंबर पे स्पेशली बैटिंग करते हैं इस फॉर्मेट में तो आपको उस नंबर पर गेम चेंजर होना बहुत ज़रूरी है और ऋषभ के पास वो एबिलिटी है वो हमने हम देखी है यस टेस्ट मैचेस में हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में देखा है इंग्लैंड के साथ जब हम इंडिया में खेले थे उन्होंने अच्छे रन बनाए इस स्पेशली इस फॉर्मेट में उनके पास वो एबिलिटी है गेम तुरंत चेंज कर सकते हैं तो आई थिंक जिस तरीके से वो उन्होंने अपना गेम इम्प्रूव किया है और उनके गेम के बारे में ख़ुद को जो आइडिया आया है उनको कि उनका गेम कैसे आगे लेके जाना चाहिए या क्या क्या होता है आपको एक लेवल आगे जाने के लिए तो उनको पता है अभी कि उनके पास क्या गेम है कैसे वो चेंज कर सकते मोमेंटम को तो आई एम श्योर वो जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं आई डोंट नो इस मतलब वर्ल्ड कप में किस नंबर पर बैटिंग करेंगे लेकिन एक आ, गेम चेंजर है वो ज़रूर हार्दिक पंड्या उनकी फिटनेस को लेकर कंसर्न्स ऑब्वियसली हैं वो जा नहीं रहे हैं बट वो कितने क्रिटिकल रहते हैं भारत की टी टीम में देखिए हार्दिक का रोल बहुत क्रुशल है आ, मैंने जैसे कहा कि बाहर से बहुत बातें चलती रहती है जो टीम में नहीं होता है वा... आ, उसके बारे में कहते हैं कि इसको टीम में होना चाहिए तो ज़रूर अभी हार्दिक टीम में है हम सबको हार्दिक को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और आ, एक प्लेयर जब फिटनेस या इंजरी के बाद जब आता है वो किस किस दौर से गुजरता है किसी को आ, पता नहीं चलता हमें बाहर से बातें करना बहुत आसान लगता है लेकिन उस क्या आ, क्या सिचुएसन से सिचुएसन से वो जाता है और क्या माइंडसेट उसका होता है वो उसी को पता होता है तो आई फील हार्दिक का रोल बहुत क्रिशियल एंड वी ऑल शुड बैक हिम बिकॉज उन्होंने इससे पहले आ, इंडिया को शॉर्टर फॉर्मेट में मैचज़ जितवाए एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस किया है और हार्दिक एक ऐसे प्लेयर है जो गेम पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं जी के मुझे पता है वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है अगर कोई सवाल हमने लेना हो तो आप प्लीज़ तैयार कर लीजिए चूँकि आपकी कप्तानी की बार बार बात होती है आपका ड्रेसिंग ग्रुप चलाने के तरीके को लेकर बात होती है अजिंक्य रहाणे का अगर कोई एक मैसेज हो इस इंडियन टीम को पंद्रह खिलाड़ियों को वो क्या हो इस वर्ल्ड कप से पहले मेरा मैसेज यही होगा कि आ, उनको कि आप खुल के खेले आपका हमारी जो टीम है बहुत अच्छी टीम है और बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे कि बाहर लोग क्या बात करें क्योंकि मुझे पता है मैं उस टीम का पार्ट हूँ मैं उस ड्रेसिंग रूम का पार्ट हूँ और बाहर क्या बहुत सारी बातें चलती है तो आपको पता है कि शायद कभी ना कहीं ना कहीं कही जो चीज़ें नहीं, नहीं होनी चाहिए वो बातें नहीं होनी चाहिए वो बातें होती है मैं यहाँ पे स्पेशली सनी भाई को उनका थैंकफुल कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है स्पेशली मुझे आ, हमेशा से उन्होंने आ, मेरे बारे में क्या है सपोर्ट किया सो थैंक यू सो मच सर तो ज़्यादा बाहर की ना सोचे लोग बाहर से आपके बारे में क्या कह रहे हो मायने नहीं करता आप आपके बारे में क्या सोचते हो और वो इंडियन टीम को पता है और कि उनको कैसे अंदर जाके परफॉर्मेंस करना है और किस चीज़ पे ऊपर फोकस करना है टॉप फोर टीम्स इस वर्ल्ड कप की इंडिया नंबर वन इंडिया इंग्लैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान आपने वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का नाम नहीं लिया न्यूजीलैंड तो हमारे पूल में ही है

एक दूसरे के लिए डेंजरस है जैसे वसीम भाई ने कहा कि उस पर्टिकुलर डे पर कौन सी टीम अच्छा करती है या उस सिचुएशन को रीड करके अच्छा क्रिकेट खेलती है तो सारी टीमें इस टी ट्वेंटी फॉर्मेट में डेंजरस है तो हमें सभी टीमों को रिस्पेक्ट करना चाहिए अगर मैं वापस डिप्लोमेटिक आंसर देता कि यार ये है तो आप मुझे कहते कि आप चार टीमों का नाम नहीं बता मैंने आपने चार टीमें आई थिंक बेस्ट चार भी की कोई सवाल अगर हम लेना चाहें बिकॉज दुबई में बहुत ज़्यादा क्रिकेट इन लोगों ने देखी जरूर है बट क्रिकेटर्स से बात करने का इतना मौका नहीं मिला है तो अगर कोई सवाल हमारे पास हो माइक हो अगर हाय रहाने हेलो वेलकम टू दुबई थैंक यू करोड़ों लोग कम से कम 135 करोड़ लोग चौबीस तारीख का इंतजार कर रहे हैं भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो मालूम नहीं आपकी क्या फीलिंग होती है लेकिन हर भारतीय का हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है हमारा दिल अभी से धड़कना शुरू हुआ है जब हमारी ये स्थिति है और जब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच खेलते हैं तो आपकी क्या सोच होती है क्या आपकी मनस्थिति होती है क्या वही प्रेशर जो एक एक दर्शक के दिमाग में होता है उस मैच को लेके पल्स बढ़ रही है सो आपको क्या फील होता है जब आप पिच पे उतरते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है सर मैच के थोड़ा मैच शुरू होने से पहले हमारा बिल हमारे भी दिल में वो धड़कन धड़कने रहती है लेकिन जब मैच शुरू हो जाता है तो आप जब बाउंड्री क्रॉस करते हो आपका यही फोकस होता है कि कुछ कहीं ना कहीं जो इमोशंस होते हैं आप वो साइड में रखें और किस चीज़ के ऊपर आपको फ़ोकस करना चाहिए आ, उसके ऊपर आप फोकस करते हो एज़ ए टीम तो एक ज़रूर इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा हमेशा से एक एक्साइटमेंट रहती है हमारे बीच में भी और आई एम श्योर sure पाकिस्तान टीम में भी, भी उतनी एक्साइटमेंट रहती है जब वो इंडिया से खेलते हैं फोकस एज अ प्लेयर यही होता है कि आप आप अपना बेस्ट दे अपने कंट्री को आप अच्छा परफॉर्मेंस करें और कंट्री के लिए मैच जीतवाए तो वो जो धड़कने तेज़ हो जाती है कभी कभी हमारे भी मैच के एक दिन पहले एक दिन रात को थोड़ा वो नर्वसनेस फीलिंग होती है लेकिन जब आप बाउंड्री क्रॉस करते हैं हम तो फोकस यही होता है कि कैसे हम बेस्ट परफॉर्मेंस दें जिंक कई तारीखें ऐसी हो जाती है ना जैसे चौबीस अक्टूबर की बात हो रही थी अब हर किसी का उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा फोटीनथ नवम्बर फोटीनथ नवम्बर हम लोग मिल रहे हैं जीत के साथ देखिए उसके बीच में भी मैचेस है तो वो डेट्स भी याद करनी चाहिए नहीं ए... हमेशा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन यही आप गलती जर्नी हम, की बात करते हैं हम यही गलती तो जर्नी में हर एक हर एक हर एक कदम इम्पॉर्टेंट होता है हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है तो उस उस स्टेप को भी हमें याद करना चाहिए हमारा हम यही फोकस करते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होता है या एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए लेकिन उसके बीच में जो प्रोसेस है उसको भी जरूरी है बाकी की टीमें भी उतनी ही इक्वल है ये yes, पहला मैच एक इंडिया पाकिस्तान गेम है इंपॉर्टेंट गेम है लेकिन उसके बाद जो भी गेम्स है वही वो, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट गेम्स है अगर वो गेम अगर हम अच्छे खेलते हैं तो ही हम जो आखिरी दिन है फोर्टीन नवंबर वहाँ तक हम जाएंगे तो हमें सारे मैचेस को उतना इम्पोर्टेंस देना जरूरी है बहुत बहुत शुक्रिया अजिंक्य बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी आई होप अजिंक्य रहा है इंडियन टीम कैप्टन वाइस कैप्टन हालांकि टी इस बार वर्ल्ड कप में नहीं है लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी जिनको जाना जाता है एक कहते हैं ना कूल काम कंपोज्ड क्रिकेटर बट बातें तो आपकी मैंने देखी पूरी गर्मदेशी वाली Thank you very much, Ajit. Thank you. Thank you.